अरविंद सिंह ललवी पहुंचे बीजेपी कार्यालय, इस्तीफे के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे ललवी, जो कि पूर्व विधायक है, काउंसलर भी रहे हैं, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित मल्लिक जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, AICC के नॉर्थ ईस्ट के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके आप प्रभारी भी ऑब्जर्वर भी रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं, दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो हरदीप पुरी जी और विनोद तावड़े जी से आग्रह करता हूं कि अरविंदर सिंह लवली जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देके और बुके देके विधिवत स्वागत करें। बाद में फोटो एक साथ करेंगे। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से और विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि राजकुमार चौहान जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाएं। श्री हरदीप पुरी जी और तावड़े जी से आग्रह कि नसीब सिंह जी को भी पार्टी की विधिवत सदस्यता दें। श्री नीरज वसेवा जी को भी पार्टी की सदस्यता दें। नसीब सिंह जी, अच्छा नसीब सिंह नहीं, इसके बाद नसीब सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी नीरज बसे और दिल्ली से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दे जहां अरविंद सिंह लवली पहुंचे बीजेपी कार्यालय और पार्टी की सदस्यता की पर्ची और बीजेपी में शामिल हुए अरविंद सिंह, अरविंदर सिंह लवली 24 का रन, दिल्ली में बदला समीकरण, बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली और आपको बता दें पूर्व में अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहां पर लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधा दिल्ली बीजेपी कार्यालय से जहां पर आज अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये अनाउंसमेंट किया है और यहां पर भाजपा में शामिल होते हुए अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव 2024 का रण और यहां पर लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ता हुआ दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, इस्तीफे के तुरंत बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे और यहां पर भाजपा में शामिल हो गए। हम कल परसों तक प्रियंका जी वहां से नामांकन भरेगी, उनके पोस्टर लगे, वहां के लोग कांग्रेस के जो है वो चाहते थे और अचानक राहुल जी आ गए तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद कांग्रेस का नारा है बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ। वायनाड में, वायनाड ही मेरा परिवार है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात राहुल जी ने कही थी और आज उसी बात से मुखरते हुए वो रायबरेली में फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब देशवासी उनके शब्दों पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये उनके ही
एक्शन ने दिखा दिया है कि वायनाड के समय जो मैंने बोला वो उस समय के वोटों के लिए था, अब रायबरेली आया हूं तो यहां के वोटों के लिए बोलूंगा। मेरी सब जुबान वोटों के लिए चलती है, ये राहुल गांधी जी के वक्तव्य से बहुत स्पष्ट हुआ। और ऐसे लोगों के साथ रहना अरविंदर सिंह जी और उनके सहयोगियों को पसंद नहीं था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का एक अभियान चल रहा है उसमें जुड़ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आदरणीय पुरी साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, श्रीमान अनिल बलूनी जी, श्री संजय मयूख जी, और यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित श्री लवली जी, श्री राजकुमार चौहान जी, श्री नसीब सिंह जी, श्री नीरज बसोया जी और श्री अमित मलिक जी, मैं आपका भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और आज मेरी उस बात को फिर बल मिला जिस दिन लवली जी और आप सबने इस्तीफा दिया था, मैंने उसी दिन कहा था कि दिल्ली में जो व्यक्ति मूल रूप से दिल्ली को प्यार करता है वो दिल्ली में ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस दिन यह तय हुआ था कि शराब घोटाले की परतें खुलने लगी हैं और सब सच्चाई सामने आ रही थी, उस दिन नसीब सिंह जी और नीरज बसोया, ये दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने ट्वीट कर इसका स्वागत किया था। तो मैं आज विशेष रूप से आप सबका पुनः एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर दिल्ली की इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ने में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय राजकुमार चौहान जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच में आदरणीय हरदीप पुरी जी, विनोद तावड़े जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, अनिल बांके जी, संजय मयूख जी और सभी मीडिया के हमारे साथी, आज आप सबके सामने हम सब साथी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। यूं तो समय समय पर, अभी समय आएगा तो हम अपनी बातें भी रखेंगे, बहुत कम शब्दों में हमें बोलने के लिए यहाँ कहा गया। किस तरह से